ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। ओरछा बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी हुआ करता था, पहली राजधानी गढ़कुंडार और दूसरी ओरछा। ओरछा न केवल अपने ओरछा महल के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ पे जहांगीर महल, शीश महल व यहाँ पे राजा राम का मंदिर स्थित है। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ भारतवर्ष के बड़े किलों में से एक माना जाने वाला ओरछा का किला, और मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा उसका, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ओरछा फोर्ट में और टिकट ले लिया है। टिकट 50 रुपये प्रति पर्सन टिकट है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर और विज़िट कराते हैं आपको पूरे ओरछा फोर्ट की। तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं। ये जो गेट देख रहे हैं आप सामने, ये रहा वेलकम गेट। ये देख लो, थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है। ये गेट नीचा है और ऊपर थोड़ा ऊंचाई है, क्योंकि जब राजा आते थे या कोई गेस्ट आता था तो वहाँ से फूल वगैरह बरसाए जाते थे राजा के ऊपर। इसी गेट के बाईं तरफ आपको निर्देश, दिशा निर्देश मिल जाएंगे लगे हुए, जिसमें लिखा हुआ है राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना। ये देखिए, ये लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं अंदर। ये रही है सीढ़ी ऊंचा चढ़ने के लिए, और यहाँ पे आपको दो प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे, ये रहे और ये। यहीं से जब कोई राजा का गेस्ट आता था तो फूल फेंके जाते थे उनके ऊपर। सामने दिख रहा है शीश महल, और यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, दीवाने आम, आंगन का प्रवेश द्वार। ये देखिए, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है। और ये रहा दीवाने आम। ये देखिए, ये जो अभी हम चल रहे हैं दीवाने आम में, यहाँ पे ये आंग पूरा जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, पूरा लॉन देख रहे हैं, इधर पे जनता बैठती थी। और ये रहा दीवाने आम, ये उसी ज़माने का बना हुआ है। इसकी जो नींव रखी थी राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में रखी थी, लेकिन उसी वर्ष वो एक गाय को बचाते हुए शेर से लड़े थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके बेटे भारतीय चंद ने इसका जो है निर्माण आगे बढ़ाया था। ये देख सकते हैं, ये है दीवाने आम। तो आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे राजा बैठते थे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे ये स्थान दिख रहा है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहीं से वो पूरी सुनवाई किया करते थे। जो थोड़े खास लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे, और जो आम जनता होती थी वो बाहर, मैंने लॉन दिखाया है, उसमें बैठते थे। और ये देख रहे हैं ये चित्रकारी पूरी, ये जो है उसी ज़माने की चित्रकारी है, बनी हुई है। और ये फूल पत्तियों से कलर किया गया था इन पे, क्योंकि उस समय कलर नहीं चला करता था तो फूल पत्तियों से कलर किया जाता था। तो 31 से 1554 के बीच भारतीय चंद्र ने
इस किले का निर्माण आगे बढ़ाया, लेकिन 1556 में निसंतान उनकी मृत्यु हो गई। उनके छोटे भाई मधुकर शाह उनने इसका निर्माण पूरा कराया था 1554 से लेके 1592 तक। तो मधुकर शाह जो थे राजा, वो यहीं पे बैठ के, यहाँ पे मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, यहीं बैठ के वो अपना फैसला वगैरह सुनाया करते थे। और ये पूरा उनका दीवान आम रहा, और इसको आप जनता दरबार भी कह सकते हैं। इसमें जो है ये देखिए, ये पिलर्स वगैरह उसी टाइम के बनाए गए हैं, और ये चित्रकारी अभी तक वैसी की वैसी है। इसमें मोर, हाथी और पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, ये पूरे आपको वैसे ही दिखेंगे। कुछ जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका पुनर्निर्माण कराया गया, ये देख सकते हैं आप। इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दीवान आम के बारे में। और ये जो हिस्सा है, ये भी राजा महल में ही आता है। अपने दरवाज़ा देख रहे हैं आप, वो वाला, ये राजा महल के पिछले वाला हिस्सा है। यहीं से राजा निकल के और अपने दीवान आम में बैठते थे आके, ये शॉर्टकट था उनका आने का। और यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, तो आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं राजा महल के सामने, और ये उनकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये रहा राजा महल का फ्रंट द्वार। प्रमुख द्वार ये है, यहीं से राजा एंट्री करते थे। और जब हम जाएंगे, ये रहा प्रमुख द्वार राजा महल के अंदर जाने का। और सामने देख रहे हैं आप, दीवार दिख रही होगी, ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बुंदेला राजाओं ने यहाँ राज किया था, और रानियों को टाइम मिल जाता था पर्दा करने के लिए। तो दोनों तरफ इसके, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ गेट बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन सामने से सीधा अंदर आप नहीं देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए, एक ये रहा अंदर जाने के लिए मार्ग, एक ये रहा, दो मार्ग बनाए गए। और ये देखिए, ये उसी समय की चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। और अब हम चल रहे हैं अंदर। अंदर जाने से पहले हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ इस जो राजा फोर्ट है, इसकी कहानी, यहाँ पे कैसे आया ये राजा। सबसे पहले बुंदेलखंड की राजधानी गढ़कोंडार हुआ करती थी, तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला यहाँ पे शिकार खेलने आए थे। तो उन्हें ये जगह पसंद आई क्योंकि यहाँ पे नदी है, बेतवा नदी है, वो जो चारों तरफ से घिर रखा है। तो इसी टापू पे उन्होंने अपने राजधानी बनाने का विचार किया, और उन्होंने यहीं पे अपना निवास बनाने का विचार किया। तो उन्होंने ही सबसे पहले नींव रखी थी। उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई, तो उनके बेटे भारतीय चंद, उन्होंने ये जो दीवान आम दिख रहा है आपको, दीवान आम, दीवान खास, तो उन्होंने ही बनवाया था इसको। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तो राजा मधुकर शाह थे, उन्होंने राज किया, और उन्होंने ये पूरा इस तरफ का हिस्सा पूरा बनवाया। आ चुके हैं हम प्रांगण में, और अभी जाएंगे हम दीवान खास। वो सामने देख रहे हैं, वो है दीवान खास, जहाँ पे राजा
अपने खास आदमियों के साथ बैठ के विशेष चर्चा किया करते थे। तो अभी हम वो जगह आपको दिखाते हैं। राजा का सिंहासन हुआ करता था और ये जो पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुर्सियाँ लगी रहती थीं और यहाँ पे उनके मंत्री वगैरह बैठा करते थे। और आप दीवारों के जिस साइड भी देखेंगे उस तरफ आपको बुंदेली शैली कला का प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि कितने अच्छे तरीके से कितने साफ सुथरे ढंग से कलाकृति को बनाया गया है जो कि बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है, भव्य लगता है। कमरा आप देख रहे हैं ये जस्ट किले के मुख्य द्वार के जो राजा महल है उसके मुख्य द्वार के ऊपर बना हुआ है। यहाँ जागीरदार या तहसीलदार बैठा करते थे, अपना लेखा जोखा लिखा करते थे और वो जो कमरा दिख रहा है उसमें अपना सामान रखा करते थे। अब हम आ जाते हैं ये बालकनी में। ये जो बालकनी है ये राजा महल का गेट है, उसके ऊपर बालकनी बनी हुई है। जैसे राजा आते थे वहाँ से, तो ये देखिए ये नीचे का हिस्सा है, यहीं से फूलों की वर्षा की जाती थी। और वो सामने आप देख रहे हैं वो दिख रहा है जहांगीर महल, तो हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ के बारे में भी बताएंगे आपको। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं यहाँ पे नृत्य वगैरह डांस वगैरह का प्रोग्राम हुआ करता था और पहले रानियों को स्त्रियों को अलाउ नहीं था देखने के लिए, तो राजा तो अपने दीवाने खास से बैठ के देखते थे, राजा और उनके मंत्री वगैरह, और रानी और दासी वगैरह जो हैं सामने दिख रहे हैं आप, ये जालीनुमा जो बने हुए हैं खिड़की टाइप की, वहीं से खड़े होके देखा करते थे क्योंकि उन्हें तो दिख जाता था और नीचे से कोई उन्हें देख नहीं पाता था। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ये खिड़की राजा ने इसलिए बनवाई थी क्योंकि चतुर्भुज मंदिर है, वहाँ पे श्री राम को स्थापित करना चाहते थे और सीधे यहाँ से दर्शन होते हैं बैठक के, जहाँ पे वहाँ बैठका बनाया गया है भगवान का, बट वहाँ पे किसी कारणवश वहाँ बैठा नहीं पाए श्री राम को। अब वो कहानी पूरी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वहाँ पे श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जो प्रतिमा वहाँ पे लगाई गई है, तो आज उसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये जो कक्ष देख रहे हैं इसमें पूरी पूरी की पूरी बुंदेली आर्ट दिखेगी, देखने को मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं आप। और ये जो कलर हैं फूल पत्तियों से लिए गए थे, ये देखिए पूरी सुंदरता इसमें दिखाई गई है। गाइस अभी हम चल रहे हैं जहाँ पे रानी वगैरह के कक्ष हुआ करते थे वहीं पे, और आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं राजाओं का खाद्यान्न स्टोर रूम हुआ करता था, जहाँ पे खाना वगैरह रखा जाता था, यहाँ सब्जियां वगैरह अनाज वगैरह रखा जाता था। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको रानियों के कक्ष कैसे हुआ करते थे। ये यहाँ से आपको राजा राम मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। चतुर्भुज मंदिर और पीछे रहा लक्ष्मी मंदिर। ये जो कमरा है राजा मधुकर शाह का कमरा है और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन चित्रकारी द्वारा किया गया है। ये देखिए इसी कमरे में,
पांडवों का विश्राम कक्ष, ये वाला राजा मधुकर शाह का विश्राम कक्ष हुआ करता था, और वेंटिलेशन के लिए हवा के लिए आपको जो है यहाँ पे दिखेंगे आपको बनी हुई छोटी छोटी खिड़कियाँ, और रोशनी के लिए भी। और इस कमरे में 10 अवतार का वर्णन किया गया है, भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन, क्योंकि वो बताना चाहते थे रानी को कि भगवान विष्णु ही राम है। ये जो कमरे हैं दिख रहे हैं आपको सामने, ये रानियों के कमरे बनाए गए थे, ये देखिए। और ये बीच में जो बैठने का स्थान बनाया गया था, यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थीं, बातचीत हुआ करती थी उनकी। और अभी हम एक कमरे में चलते हैं, रानी के एक कमरे में, और दिखाते हैं आपको उनकी चित्रकारी वगैरह कैसी है। ये रानी के कक्ष हुआ करते थे, ये देखिए। यहाँ भी आपको चित्रकारी देखने को मिल जाएगी, अंधेरा डला हुआ है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए पूरी चित्रकारी बनी हुई है। ये अभी हम आपको ले चल रहे हैं जो राजाओं की टॉयलेट्स वगैरह होती थी, वो देखिए। ये हैं राजा की टॉयलेट्स, ऐसी टॉयलेट्स बनाई गई थी। ये कमरा आप देख रहे हैं, ये बाथरूम हुआ करता था, इसी में नहाना वगैरह हुआ करता था। और दो टंकी बनाई गई हैं, एक ये ठंडे पानी की, ये देख रहे हैं ये ठंडे पानी की, और ये गर्म पानी के लिए बनाई गई थी, ये देख रहे हैं। ये कढ़ैया रखी हुई है, कढ़ाव रखा है इसमें, और पीछे साइड से लकड़ियां लगा के गर्म करते थे जिससे पानी गर्म हो जाए, और यहाँ से ठंडा पानी लेके आराम से नहाने के लिए यूज करते थे राजा रानी। तो ये रहा नहाने के लिए स्थान, ये मैंने बताया था यहाँ से लकड़ियाँ लगाई जाती थी तब गर्म होता था पानी उनका, नहाते थे वो लोग। ये देख रहे हैं ये पूरा हॉल टाइप का बनाया गया था, अभी तो बंद कर दिया गया जी। ये पूरा हॉल था अंदर, ये पूरा अंदर हॉल हुआ करता था। जब गर्मी हुआ करती थी तो यहाँ पे राजा रानी यहीं पे आ जाते थे, क्योंकि ये ठंडा रहता था। वेंटिलेशन के लिए हवा वगैरह दे रखी है, हवा वगैरह आने के लिए जगह बनाई गई है। और प्लीज़ मेरा ये कहना है कि भाई लोग अगर आप आएँ तो ये दीवारों पे उल्टे सीधे ये अक्षर आप लिख देते हैं प्रेम कहानी, तो ये ना लिखें, क्योंकि ये धरोहर है हमारी, और इसी को ख़राब करेंगे आप तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी पे, वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये जो दीवाने खास है इसको राजा भारतीय चंद ने बनाया था। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जब राजा मधुकर शाह बने तो उन्होंने जनाना पार्ट मतलब रानियों के लिए रहने के लिए स्थान उन्होंने बनवाया। तो ये जो पूरा किला है वो एक आदमी नहीं बना पाया, इसको पूरा करने के लिए कई राजाओं ने शासन किया इसमें, तब ये किला जाके पूरा हुआ। अब हम ले चलेंगे आपको जहांगीर महल की तरफ, लेकिन दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए